अब बात बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय की। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस के पास नेता नहीं है, इसलिए वे उपचुनाव में बाहरी लोगों की मदद दे रहे हैं। विजयवर्गीय ने सांवेर सीट जीतने का भी दावा किया है। मध्य प्रदेश में उपचुनाव को लेकर भाजपा कांग्रेस में बयानबाजी का दौर शुरू हो चुका है। भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस यदि उपचुनाव में बाहरी लोगों की मदद लेती है तो मतलब साफ है, उनके पास नेता नहीं है। विजयवर्गीय ने सुप्रीम कोर्ट में दायर इंडिया शब्द को संविधान से हटाने का सैद्धांतिक तौर पर समर्थन किया। उपचुनाव में सांवेर सीट जीतने का दावा करते हुए विजयवर्गीय ने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने जनता के साथ धोखा किया है। कैलाश विजयवर्गीय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी पर चुटकी लेते हुए कहा कि राहुल तो हमेशा ही मन की बात करते हैं, इधर से आलू डालना और उधर से सोना निकालना। मतलब अपने पर आत्मविश्वास नहीं है ना? कांग्रेस यदि बाहर से आयातित लोगों को अपने प्रचार के लिए बुला रही है, इसका मतलब है उनका आत्मविश्वास नहीं है। वहाँ पर सारे सीनियर विधायक तो सबको मंत्री बना दे, ऐसा आपका कहना है? ये तो संभव नहीं है, ये तो संभव नहीं है। इसलिए जब भी मंत्रिमंडल का गठन होता है तो पूरे राज्य को अलग अलग संभाग में नेतृत्व देना पड़ता है, और इसलिए कई सीनियर कार्यकर्ताओं को भी सेक्रीफाइस करना पड़ता है। ये कोई खास बात नहीं, हमेशा तो मन की बात करते हैं वो, इधर से आलू डालो इधर से सोना निकालो, मन की बात है। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।